आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के फायदे, जहाँ हमें इससे मिला क्या, तो उसका ओवरव्यू है। ये चैप्टर 7th है, लास्ट चैप्टर है। तो एज वी बिगिन टू वाइंड अप अवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र का जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो हम अब डिस्कशन से बाहर आकर स्पेसिफिक थीम्स के बारे में नहीं बातें ना करते हुए, हम जनरली एक सेट ऑफ क्वेश्चन अपने लिए देखते हैं कि व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, तो डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट आवर आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी से हम क्या आशा करते हैं, आल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, असल जिंदगी में हमें कोई इससे फायदा होता है। वी बिगिन टू थिंकिंग अबाउट हाउ टू असेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम उसका आंकलन कैसे करें, डेमोक्रेसी जो फायदे हैं उसका हम आंकलन कैसे करें, तो सम क्लैरिटी के बाद ऑन हाउ टू थिंक दिस सब्जेक्ट वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स, तो हम जिन सब्जेक्ट जिस बात की आशा करते थे और जो हमें एक्चुअली मिला है, दोनों की तुलना करते हैं डेमोक्रेसी के अलग अलग रेस्पेक्ट से, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हमारी सरकार का आंकलन करते हैं कि सरकार हमारी गुणवत्ता के हिसाब से कैसी है, इकोनॉमिक वेलबींग कैसा है हम लोगों का, हम लोग ने आर्थिक तौर पर उन्नति की है, इनक्वालिटी यहाँ पर बहुत सारी है, लोग मतलब गरीब और अमीर का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल डिफरेंसेस हैं, वर्गवाद हो गया है, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग तौर पर अपना काम कर रहे हैं, तो ऊंचा नीचा भी उसमें है, और कुछ जो वर्ग हैं वो ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, एंड कंफ्लिक्ट उसमें जो मतभेद हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी, और अंत में आज़ादी और हमारी आबरू। डिग्निटी का मतलब होता है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो अवर फाइनल वर्डिक्ट जो है वो पॉजिटिव है, हमारा जो अंतिम जो निर्णय है वो है कि हम पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, बट क्वालिफाइड लीड्स अस टू, तो इस बात से हमने सोचने पर मजबूर किया है कि क्या क्या डेमोक्रेसी आगे चैलेंजेस क्या क्या हैं इन द नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर, तो हम ये पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, तो हम डेमोक्रेसी से होने वाले जो लाभ हैं, होने वाले जो फायदे हैं, उनका आंकलन करें, उसको कैसा आंकलन करें, ये जो इसमें बॉक्स में दिया हुआ है, डू वी रिएक्ट दीज कंक्लूजन्स इन मॉडर्न लिंग दोज क्लास, आई लव्ड दैट क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स वर Not being dictated any conclusions, तो यहाँ पर लिंग दो की मैडम लिंग दो की एक क्लास है जिसमें बच्चों को वो किसी आउटकम के लिए डिक्टेट नहीं कर रहे, उनको ये नहीं बता रहे कि इसका रिजल्ट ये निकालो। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंग दोज क्लास आर्गूड अबाउट डेमोक्रेसी, क्या आपको याद है कि जो मैडम लिंग दो थी उसकी क्लास में जो स्टूडेंट्स थे डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बातें करते थे, दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक, 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में ये था, दूसरे चैप्टर में, इट एमर्ज्ड फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि डेमोक्रेसी जो है, बात करके उन्होंने आपस में जो बात की थी उसमें ये बताया था कि डेमोक्रेसी जो है सबसे बढ़िया प्रकार की सरकार है डिक्टेटरशिप से भी, और दूसरे जो अल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं उनसे ये डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया प्रकार की सरकार है, वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर, तो हमने ये इसलिए महसूस किया था कि डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, तो इससे जो नागरिक होते हैं अपने आप को बराबर समझते हैं, उनकी जो समानता की भावना है वो परिपक्व होती है, एनहेंसेज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स,
अपनी हर एक की आबरू जो होती है सुरक्षित होती है, हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने में हम काम करते हैं। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, तो हमारे जो मतभेद हैं उनको सुलझाने का हमारे पास एक मेथड है, हम बातचीत के द्वारा सारे हल निकाल सकते हैं। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, गलतियां सुधारने का हमारे पास मौका होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो हैं पहले हमने महसूस की थी डेमोक्रेसी के द्वारा। व्हेन वी टॉक टू पीपल राउंड अस, जब हम अपने चारों तरफ अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी, बहुत सारे उनमें जो है लोकतंत्र की हिमायत करते हैं। अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, दूसरे जो बदल हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके उनसे बेहतर इसको मानते हैं, सच एज रूल बाई मनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स, तो जो धार्मिक नेता हैं उनके द्वारा या फिर मिलिट्री के द्वारा या फिर किसी राजा के द्वारा शासित लोग जो हैं उसमें डरा डरा सा महसूस करते हैं। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिकली जो हमारी डेमोक्रेसी है उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हैं। सो वी फेस ए डिलेमा, तो हमारी एक त्रासदी है। डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड, तो जो ये डेमोक्रेसी है वो अच्छी दिखाई देती है इन प्रिंसिपल, सिद्धांत में अच्छी है, किताबों में अच्छी है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, परंतु प्रैक्टिकल में व्यावहारिक रूप से ये उतनी अच्छी नहीं है। दिस डिलेमा इन्वाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम गहरा सोचने पर मजबूर हुए हैं कि ये कैसी त्रासदी है हमारी कि आउटकम इसके इतने अच्छे नहीं हैं। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस, क्या जो मॉरल रीजन के कारण डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, सभी आदमी व्यक्ति जो चुने जाते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, तो उसके लिए डेमोक्रेसी को अधिमान देते हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू बी सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, तो दूसरे भी ऐसे रीजन हैं सत्य पर चलने वाले। ओवर ए हंड्रेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो विश्व में 100 के लगभग ऐसे देश हैं जो ये मानते हैं या ये घोषणा करते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी है, यानी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके जो संविधान हैं वो फॉर्मल हैं, यानी कि काम चलाऊ हैं। दे होल्ड इलेक्शंस, वहाँ पर चुनाव भी होते हैं। दे हैव पार्टीज़, वहाँ पर पार्टीज़ भी हैं। एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, वो नागरिकों के अधिकारों को मानते हैं, उनको देते हैं, गारंटी देते हैं। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, तो उन सभी देशों के जो कॉमन फीचर्स हैं वो सभी में एक जैसे हैं। दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो सभी जो लोकतंत्र हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, उनके जो सामाजिक हालात हैं उसके हिसाब से वो सभी लोकतंत्र अलग अलग हैं। देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, उनके आर्थिक जो प्राप्तियां हैं। एंड देयर कल्चर्स, वहाँ के जो उनके जो कल्चर्स हैं उसके हिसाब से। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, तो वहाँ पर क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं, क्या क्या अभी प्राप्त होने वाला है, तो ये सभी वो जो लोकतंत्र हैं सभी बिल्कुल अलग अलग हैं। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ ए डेमोक्रेसी, तो हमारी जो एक सबसे बड़ी आकांक्षा है कि अगर वो डेमोक्रेसी है तो वो एक अच्छी डेमोक्रेसी है। अवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेज अस इन टू टेकिंग ए पोजिशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल द सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम्स, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि क्या वो डेमोक्रेसी जो है जितनी भी हमारी सामाजिक आर्थिक और
राजनीतिक समस्याएं हैं वो उनको सुलझाने की नीयत रखती है। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, अगर हमारी कुछ जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं होती, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम सीधा लोकतंत्र को ही दोष देने लग जाते हैं, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, तब हमें इस बात पे शक होने लगता है कि क्या हम सच में लोकतंत्र में रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकोगनाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके बारे में इसको पहचानने के लिए सबसे पहले यही बात सोचनी है, आउटकम के बारे में अगर सोचना है तो ये सोचना चाहिए कि क्या वो एक सिर्फ एक तरह की सरकार है, डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र जो है सिर्फ एक तरह की सरकार है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, ये मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ वातावरण बना सकती है। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस, तो जो देश के नागरिक हैं उनको उन हालात का लाभ उठाना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए अपने गोल पूरे करने के लिए। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द सेकंड ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पहले हम उन हालात का जायज़ा लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम हर एक देश की जो डेमोक्रेसी है उसका रिकॉर्ड चेक करें।